नहीं कभी भी नहीं. पसंद की शादी में वैसे भी होता है कि जी आपने घर वालों की रिस्पांसिबिलिटी, आपकी रिस्पांसिबिलिटी होती है तो आप होते हैं आपने क्यों घर वालों को बताया ना, मतलब कोई बेसिक चीज. तो ना कभी मैंने ना कभी मेरी बहन ने हमने देखा नहीं कि कभी कहते हैं ना कि बुराई जो अपने ससुराल की कभी भी की हो. तो फिर बड़ा इज्जत का रिश्ता जब मिलता है, दुआएं देती है. जब रिश्ता करती है ना तो माँ फंस जाती है अपनी पसंद. बहुत रिस्पॉन्सिबल. मेरे चाचा ने शादी की मेरी दादी के कहने पे, और मेरी दादी उनसे कहती थी ऐसी है चांद का टुकड़ा. और जब शादी हुई तो 6 महीने बाद वहाँ झगड़े शुरू हो गए. तो मेरे चाचा के कहने पे आप कहती थी चांद का टुकड़ा है, चांद का टुकड़ा मेरे साथ. अच्छा ये वैसे आजकल ये भी बड़ा मसला है क्योंकि अब कर जाए मैं अपने दूसरे बेटे की शादी आने लगी थी. नहीं मुझे भुगतने का इंशाल्लाह इंशाल्लाह मौका ही. कितना टाइम हो गया? एंगेजमेंट अभी तो हुई भी है. अच्छा, लेकिन मैं जानती तो नहीं अभी तो इस साल के एंड में इंशाल्लाह. वैसे भी मैं एक बात और जो कहते हैं ना जी ना ये मेरी बहू नहीं मेरी बेटी है, तो मैं कहती हूँ बहू को बहू के हिस्से में भी प्यार दिया जा सकता है. इस पे बड़ी डिबेट हो सकती है इस बात पे. बहू बहू को बहू के रिश्ते में प्यार दें, वो भी तो एक रिश्ता है. बिल्कुल. आप क्यों बहू को बेटी के साथ शुरू कर दिया कि मेरी तुम बेटी हो मेरी बहू नहीं. बहू है उसको उसी में रिस्पेक्ट दें और बेटी नहीं बेटी. मैं तो इस बात पे कभी कायल हो ही नहीं सकती कि बहू बेटी है या सास माँ है. नहीं देखिए मैं आपको एक मिसाल दूं, एक गलती आपकी बेटी करती है तो वही गलती आपकी बहू करती है. आप बेटी को घर से निकालेंगे या बहू को? अभी 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 की बात है परवीन. मैं अभी जब बहू कभी बेटी नहीं बन सकती, सास कभी माँ बन सकती. ईद थी तो मैं तो बाहर वो गाय थी तो उसका गोश्त भी, और मुझे तो बोटियाँ बड़ी अच्छी वाली चाहिए होती है चर्बियों में. तो मैं तो 2 बजे कसाई आया और मैं 7:30 बजे तक वहाँ बैठी रही गैराज में ना वो गोश्त वोश्त बनवा के. तो अब मेरी बेटी अंदर से आती थी, वो मुंह पे ऐसे रख के आती थी अम्मा क्या करना है ये वो चली जाती थी. अब मैं उस वक्त ये सोच रही थी कि मेरी बेटी है ठीक है मैरिड है अपने घर वाली है लेकिन ईद पर आई हुई है. तो अगर वो मेरे पास नहीं आ रही कि अम्मा आप हटें मैं कर देती हूँ तो मैं बहुत ठीक हूँ फाइन मेरी बेटी है. यही मेरी अंदर बहू बैठी हो और वो ना आए तो मैं पकती रहूंगी इधर से वही कह रही हूं ना पकती रहूंगी कि मैं कब से बैठी हूं. उसने आके ये नहीं कहा कि मम्मी लाए मैं कर दूं. हालांकि बच्चियां कोई भी नहीं करती. ये भी होता है कि वो जो बहू है वो उसका घर है. ये हाँ यही मैं कहने लगी हूं ना यही मैं कहने लगी वो तो मेहमान है वो जगह पे बिना बैठी होती है. अगर बहू का घर होता बहू को चाहिए कि अपने ससुराल को ऑन करे. ऑन करने की बात है ससुराल को क्या पहले अपने मियां को ऑन करे साथ आप लोग कहां जाइएगा रिस्पेक्ट दे अपने मियां से रिस्पेक्ट. जी तो वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक और सुबह का समा आप देख रहे हैं. और आज हमारे साथ बहुत ही प्यारी प्यारी माएँ मौजूद हैं सासें मौजूद हैं जिन्होंने अपने घर को बड़े अच्छे प्यारे तरीके से जो है ना वो समेट के रखा हुआ. और माओं की रिस्पॉन्सिबिलिटी एक तरह से कहते हैं ये होती भी है कि किस तरीके से वो अपने घर वालों का सबका ख्याल रखें. लेकिन वो माएँ जो कि वर्किंग मदर्स होती हैं उनके लिए तो काम और ज़्यादा बढ़ जाता है कि उन्हें बाहर भी देखना होता है फिर वो घर आएंगी अपने बच्चों को भी देखना है उनके लिए खाना बनाना है सब चीज़ों का ना उन्होंने ख़ुद ख्याल रखना होता है. अच्छा मुझे ये बताएं मैं अभी अगर हम ज़रा अब जो रिसर्च भी है वो भी बताती है कि अब के टाइम में जो डिवोर्स रेट है और उसमें से खुला के भी जो रेट्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गए. बहुत सारी ऐसी शादियाँ मतलब आप ज़रा से 2-3 महीने ताखीर हो जाए आपको मुबारकबाद देने में तो पता चलता है अच्छा भी वो तो शादी भी ख़त्म हो गई है. तो ये बड़ा एक मसला आजकल हो गया है. तो उसमें आपको वैसे क्या लगता है परवीन जी सबसे पहले आपसे पूछना चाहूँगी कि क्या रीज़न बन रही है कि आजकल हमारी शादियाँ जो हैं वो मतलब समझ में आती ठीक है डोमेस्टिक वायलेंस हो फिज़िकल वायलेंस उसकी समझ में आती है लेकिन अब हर छोटी सी छोटी बात में शादी हमारी ख़त्म हो जाती है. पेशेंस नहीं रहा लड़कियों में तो वो अपने आप को बंद महसूस करती हैं. मतलब आज़ादी जो है वो सल्ब हो जाती है. जब आज़ादी सल्ब हो जाए तो फिर इंसान का वहाँ रहना बहुत मुश्किल हो जाता है और फिर आखिरी रास्ता यही होता है डिवोर्स ले. तो बहुत रेट बढ़ा हुआ है डिवोर्स का और मेरी अपनी फैमिली में भी हुई है 1-2 डिवोर्स हुई हैं. लड़कियों में अब पेशेंस नहीं है सब्र नहीं है. मतलब वो ये चाहती हैं कि हथेली पर सरसों जम जाए और जो हम कहें वो हरफ़ आखिर हो. तो ऐसा नहीं होता. अंडरस्टैंडिंग आपस में अगर आपकी है भी वो एक जगह पे आके पता नहीं क्या हो जाता है कि वो अंडरस्टैंडिंग जो नज़र आ रही होती है
वो एक्चुअली अंडरस्टैंडिंग नहीं होती, वो एक मतलब एक समझौता करके कर लेते और बाद में पछताते. और ये मोस्टली शादियां जो हैं ये लव मैरिज, और बहुत जगह तो माँ बाप के पेरेंट्स की पसंद की शादियों में भी यही मसला आ गया है कि मैं नहीं समझती कि तलाक को इतना इजी क्यों ले लिया है लोगों ने. माँ बाप कहते हैं ले लो तलाक. कई रातें कोई सो ना सका हो, आर्टिस्ट इस तरह की बातें सुनने के बाद उसकी सेहत पर इफेक्ट हुआ हो. उसकी बेटी की भी शादी हुई भी है, उसके भी ससुराल वाले हैं, उसकी अपना एक सर्कल है, फैमिली लाइफ है, और कुछ जिंदगियों ने अभी जिंदगियों में शामिल होना होता है, तो हर चीज़ इफ़ेक्ट होती है. लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैंने बड़े अच्छे तरीके से. और मधिया मैं एक ऐसा पब्लिक फिगर हूं, बड़ा सेंसिटिव होता है, वो चीजों को जल्दी ऊपर लेता है. और आपने बोला ना कि बड़ी स्लीपलेस नाइट्स भी आती हैं. बिल्कुल मैं एक ऐसा पब्लिक फिगर हूं. आप कभी मेरी फैमिली से, मेरे ख़ानदान से मेरे बारे में बात करेंगे तो आपको पता चलेगा कि मैं अपनी फैमिली के लिए, अपने बहन भाइयों के लिए, मेरा जो ससुराल है, तो ये मेरे ख़्याल में एक नाइटमेयर हर इंसान की ज़िंदगी में आता है, गुजर जाता है, और बस ज़रूरत होती है कि आप सब्र करें. आप सब्र शायद कभी मैंने सब्र का दामन छोड़ा था, मुझे नहीं छोड़ना चाहिए था. और ये चीज़ें मैंने बड़ी जगह, लेकिन कभी कभी ना इंसान की बस में नहीं कुछ चीज़ें नहीं रहती. आप भी इंसान हैं. बिल्कुल बिल्कुल. तो अब मैंने मुझे लगता है कि जीना सीख लिया है. आपको पता है आपके बच्चे आपको जीना सिखाते हैं, आपको जमाना नहीं. बहुत बड़ी आजमाइश होती है, फितना है ना औलाद, फितना है. आपको जमाना नहीं सिखाता, आपको वक्त नहीं सिखाता, आपको आपकी औलाद सिखाती है कि आपको किस तरह से जीना है. तो अल्हम्दुलिल्लाह मुझे मेरी औलाद ने बहुत अच्छा सबक दिया कि मुझे किस तरह से जीना है, और वो मेरी बहुत फेवर में है. और अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह ये जो इन्होंने खातून ने बात की मैं समझ रही हूँ. और चूँकि सोशल मीडिया पर बहुत आई तो इसलिए मैं इसको बोलने में भी मुझे वो नहीं है. मैं कहती हूँ कि हर किसी में सब्र होना चाहिए, और हर किसी को सब्र का फल मिलता है. अगर मैंने सब्र किया तो मुझे सब्र का फल मिला है, और अगर जिनकी वजह से मैंने सब्र किया उसने भी सब्र किया है, उसकी भी ज़िंदगी बहुत इफ़ेक्ट हुई है. तो मैं उसके लिए भी दुआगो हूँ कि उसकी ज़िंदगी भी सेटल हो जाए. क्योंकि लोग जब बोलते हैं ना, वो नहीं सोचते कि किसके बारे में बोल रहे हैं और क्यों बोल रहे हैं. मैं कहती हूँ मैं सह जाऊंगी. जिन बच्चों ने अभी जिंदगी गुजारनी है ना, उनके लिए सहना बहुत मुश्किल होगा. बिल्कुल. तो उनके लिए भी मैं कहती हूँ खुदारा आप लोग बोलते वक्त जरूर सोचें. मैं तो इधर बैठ कर अपनी बातों का जवाब दे सकती हूँ. जो घर पर बैठी हुई है शायद वो ना दे सके, लेकिन उसके भी अंदर कुछ तकलीफें तो होंगी डेफिनेटली. अच्छा, तो ये चीजें शो के इग्नोर होनी चाहिए. एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मुझे लगता है जो मिस हो गया, कि वो अभी भी लोग उसको कहीं ना कहीं प्रमोट कर रहे थे, वो है ट्रॉली कल्चर. सो आपको लगता है वो होना चाहिए? क्योंकि जब वो बात पक्की नहीं होती ना, तो लड़की की इज्जत है नफ्स बड़ी मजरूह होती है. क्या पूरी ट्रॉली से जाके बिल्कुल नहीं होना चाहिए? तो ट्रॉली परेड जो है नहीं, अब वो मेरे ख्याल में रहा भी नहीं ट्रॉली कल्चर. नहीं, बहुत घरों में है, लेकिन नहीं होना चाहिए. हम लोग तो इसके फेवर में ही नहीं है. लड़की कोई बिकने वाली चीज तो नहीं है. आपने अगर पसंद करना है आए बैठे सलाम दुआ हो, लेकिन ट्रॉली लेके आना ये करना वो बिल्कुल. अच्छा, ये अभी भी है वैसे. बिल्कुल अभी बहुत भी है. और उसका मतलब ये नहीं है कि उसकी नुमाइश हो रही है. लड़की ने अगर रूम में आना है तो इसके आने का एक बहाना होता है. ऐसे तो फिर 10,000 लोग आते हैं, देखते हैं, जाते हैं. जब लड़की बहुत हर्ट होती है, या तो बात कंफर्म हो चुकी हो, आपकी फाइनल हो, उसके बाद ट्रॉली वगैरह लेकर आए. लेकिन ऐसे नहीं आना चाहिए कि आपके लिए कोई भी जैसे रिश्ते वाले रिश्ता कराते हैं. आपने जो भी इतनी लंबी तमहीद बांधी तो उसके लिए तो यही है कि आप परवाना करें लोगों की. पर कुछ तो लोग कहेंगे लोगों का काम लेकिन आप में जो 100 लोग आपको कमेंट कर रहे हैं उसमें से अगर 20 लोगों ने बुरा कहा तो 80 ने आपको फेवर भी किया. मुझे तो है ना, नहीं मतलब ये भी है. लेकिन ये बात है, एक तमाम तरह जो सोशल मीडिया ब्रिगेड हमारे पास यहाँ पे बैठी हुई है, जो उनके पास एक कदर वो कहना कीबोर्ड आ गया. तो यार जब किसी की भी आर्टिस्ट की लाइफ के बारे में या किसी के बारे में कमेंट करने से पहले भी सोचा करें कि वो भी आपके तरह इंसान है. प्रोफेशनल लाइफ को आप डिस्कस करें मत. कोई आपकी पर्सनल लाइफ को डिस्कस करें आपको अच्छा लगेगा तो कोशिश करें कि आप उनको भी ऐसा हेट मत करें. आप लोग अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा. थैंक यू सो मच आपका प्रवीण जी, आपका सबर जी, आपका और आपका बहुत शुक्रिया जी. आप लोग अपना ख्याल रखिएगा. शादरी आबादरी. अल्लाह पाक आपको औलाद के गम से महफूज रखे. कल मिलेंगे. अल्लाह हाफिज़.